बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। इस वक्त शादा भाई इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ पर फूड स्टॉल है इनका और इतना नायाब खाना है माशाल्लाह कि हम आपको क्या बताएं। जो खाते हैं वो खाते ही चला जाता है और यहाँ से दोस्त हज़रात आते हैं, खाना खाते हैं माशाल्लाह। इस वक्त कुछ दोस्त खाना खा भी रहे हैं और जो एक दफ़ा खाते हैं वो खाने के बाद पार्सल करवा के भी ले जाते हैं दोस्तों के लिए। बहुत ही शानदार सेटअप है दोस्तों माशाल्लाह। इस वक्त शादा भाई के पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो काम में मसरूफ़ है और बहुत शानदार और ख़ूबसूरत सेटअप है। इस वक्त काला भाई इनके पास वर्कर हैं और बहुत ही घटिया किस्म के वर्कर हैं, बात करने से कतराते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ कुछ बात करो इंटरव्यू में कुछ कहना। हम कोशिश करते हैं उनसे कुछ कहलवाएं लेकिन वो बोलने से कासिर हैं, भाग जाते हैं। बहुत ही खच किस्म के वर्कर हैं शादा भाई के पास और आगे बढ़ेंगे आपको दोस्तों मज़ीद सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। यहाँ पर लोग जो खाना खाते हैं माशाल्लाह कस्टमर मार्केट के और मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं। बहुत शानदार खाना है, आपको मेन्यू भी पहले भी हम कई दफ़ा बता चुके हैं और जो एक दफ़ा आएगा इंशाल्लाह वो मज़ा करेगा, दोबारा अपने दोस्तों के साथ आएगा। इस तरह के खाना यहाँ पर देसी माहौल में खाना हर किसी के नसीब में नहीं है और बहुत ही शानदार खाना है माशाल्लाह। मेन्यू आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं। शादा भाई इस वक्त हमारे साथ हम कलाम हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बताओ सर, आप कहना चाह रहे हैं खाने के बारे में कुछ बताएं, क्या सेटअप है? हमारा घर का खाना होता है सर माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा मामा और हमारी मामा और पापा पका के देते हैं माशाल्लाह, और चीज़ हम अच्छी से अच्छी माशाल्लाह डालते हैं, सारे मसाले अच्छे डालते हैं, चने अच्छे लेते हैं, घी अच्छा लेते हैं, अच्छा ठीक है ना, हर चीज़ वी आई पी लेके आते हैं माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त सेटअप है, बहुत जबरदस्त सेटअप, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई शादा भाई आपसे बात करके। और दोस्तों मार्केट में और भी कई फूड स्टॉल हैं लेकिन जो शादा भाई के हाथ का जायका है इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर डोगर भाई भी चने वाले बहुत मशहूर हैं मार्केट में लेकिन डोगर भाई भी इनके मुकाबले में फेल हो चुके हैं और शादा भाई बहुत आगे जा चुके हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाएं इनको। और मेन्यू में दोस्तों उसी तरह से खाना रोज़ाना की रूटीन में जो आपको पहले हम कई दफ़ा बता चुके हैं, बिरयानी होती है माशाल्लाह बहुत लाजवाब, और इसके अलावा कट्टे का गोश्त है और पाए होते हैं, ओजड़ी होती है, छोटे बड़े पाए, ओजड़ी दाल माशाल्लाह, माश की दाल भी आपको मिलेगी और मूंग की दाल भी लहदा से बनाई जाती है। बहुत शानदार सेटअप है। और चने तो दोस्तों खोए वाले मलाई वाले इस तरह के चने हैं कि जो एक दफ़ा खाता है वो इसी का हो जाता है। और खोए वाले मलाई वाले और किस तरह के चने हैं शादा भाई आप बताएं, बता सकते हैं? चने ऐसे होते हैं माशाल्लाह देसी चने होते हैं, शुआओं वाले और वाले जो एक और लपटों वाले खा लेता है ना भाई माशाल्लाह, वो कहता है चने माशाल्लाह। शादा भाई अपने खुद बकलम खुद फरमा रहे थे दोस्तों के शुआओं वाले और लपटों वाले चने और जो एक दफ़ा खाता है वो इन्हीं का हो जाता है। इंशाल्लाह आपको इसी तरह से माहौल की पोजीशन दिखाते रहेंगे मार्केट की और शादा भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डालेंगे, इंशाल्लाह आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ खुद आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, खाना खाएँ, मज़े करें, इंजॉय करें, यही वक्त है। आप सब दोस्तों के तावुन का शुक्रिया, मिलते हैं आपको किसी और नए ब्लॉग के साथ, देखते रहिए सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।